तो उसके बाद टायर्ड वॉकर्स बना दिए मैंने, न्यू गेस्ट्स बना दिए, फ्राइटेंड प्रिजनर, लॉस्ट चाइल्ड, डेंजरस बोन्स। ओके, नाउ वी कम टू द वर्ब मैन। नाउ द इंजर्ड मैन लिम्प्ड, लिम्प्ड वियरली मीन्स थकान से वो लिम्प करते हुए चल रहा था। देन फेमस फिल्म स्टार लेफ्ट रिसेंटली, रिसेंटली भी लगा सकते हैं, यस्टरडे भी लगा सकते हैं, एनीथिंग। वेनमस स्नेक हिज्ड डेंजरसली, या आप डाउनस्टेयर भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, दैट द वेनमस स्नेक हिज्ड आउटसाइड भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि यहाँ आप डेंजरस ही लगाएं, यहाँ बुल्स के साथ भी वो आ सकता है ना वर्ड। तो आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, अच्छा अगर आप लिख लें कहीं पे इनको, तो हिज्ड के साथ हम चेंज भी कर सकते हैं अपना एडवर्ब, हिज्ड आउटसाइड भी कर सकते हैं। देन हियर गेस्ट्स, द न्यू गेस्ट्स अराइव्ड, कुछ भी लगा सकते हैं, अराइव्ड टुडे, अराइव्ड टुडे भी हो जाएगा। ठीक है, आपने डिसाइड करना है, अपना सेंटेंस आपने फॉर्म करना है, मीनिंगफुल और कुछ नहीं है। देन बोल्स, डेंजरस बोल्स, द डेंजरस बोल्स, यहां पे रैन को चेंज कर देते हैं, द डेंजरस बोल्स रैन डेंजरसली। ठीक है, यहाँ आ गया। तो मैंने ये बनाया था, द इंजर्ड मैन स्लेप्ट कर देते हैं, स्लेप्ट सो रहा है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आपने वही लगाना है, स्लेप्ट। डाउनस्टेयर्स नीचे सो रहा है। देन वेनमस स्नेक, वेनमस कहाँ गया, वेनमस स्नेक हिज्ड, यहां से आप कोई भी एडवर्ब ले सकते हैं। देन आई सेड लॉस्ट चाइल्ड सॉब्ड सैडली। ठीक है, डेंजरस बुल्स ये हो गया। तो आपने ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं कनेक्ट करके। इट्स बेटर, इट्स इट विल बी गुड इफ यू राइट इन योर नोटबुक्स। देन वी हैव इन वर्ड बार, इन ईच सेट बिलो पुट द सिलेबल्स इन ऑर्डर टू मेक वर्ड्स डिस्क्राइब्ड इन ब्रैकेट्स, वन हैज बिन डन फॉर यू। ये जम्बल्ड हैं, सिलेबल्स दिए हुए उन्होंने, आपने इसका एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। एंड हियर द क्लू इज गिवन, सो इट इज मिलियन, लाइक दिस एडवेंचर। ठीक है, कंटिन्यू, वेकेशन, डेंजरस, तो इट्स वेरी इजी। देन वी हैव टू मैच द फ्रेजेस विद द मीनिंग्स। कोल्ड आईज, कोल्ड आईज मीन्स आईज अनअफेक्टेड बाय द इमोशन। कोल्ड आईज होती हैं जिन पे कोई असर नहीं होता, चाहे आप रो रहे हैं या हंस रहे हैं, सामने वाला कैसे भी इमोशन में हो, रो रहा है या हंस रहा है, बट इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोल्ड शोल्डर क्या होता है? इट्स अ डेलिबरेट अनफ्रेंडलीनेस। कोल्ड शोल्डर मीन्स आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी के दुख दर्द से, अनफ्रेंडलीनेस। इन कोल्ड ब्लड विदाउट मर्सी, बेदर्दी से कहते हैं ना, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, बेदर्दी, विदाउट मर्सी, सी है ये। कोल्ड कॉल, कोल्ड कॉल इज विजिट समवन विदाउट एग्रीमेंट। जब आप किसी के पास जाते हैं, बस आप चाहते हैं कि बस आपका सामान सेल हो जाए, आपको कोई मतलब नहीं है उससे, दैट इज कॉल्ड अ कोल्ड कॉल। कोल्ड हार्टेड, जिनके बिल्कुल भी वॉर्म्थ ना हो, अफेक्शन ना हो, लैकिंग वॉर्म्थ एंड अफेक्शन।
सो दीज आर ऑल्सो गुड वर्ड मीनिंग्स. ये लेसन में से आपको मतलब यू शुड लर्न दीज, टेस्ट में आपको आ सकते हैं या पेपर में भी आ सकते हैं. ओके ये आ सकता है आपको. कोल्ड टर्की, इट मीन्स एन अनप्लेजेंट स्टेट. कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको नहीं ठीक लग रही है वो चीज है ये, अनप्लेजेंट. राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. सो रिमेंबर, फॉरगेट. एंटोनिम्स आर ऑपोजिट वर्ड्स. रेयरली, ऑफन या फ्रीक्वेंटली. एनी वन, ऑफन या फ्रीक्वेंटली. साइलेंट, नॉइजी. वॉर्म्थ, कूल या चिल. वॉर्म्थ तो हीट होता है ना, हीट या हो. यहां पे वॉर्म्थ है हीट वाला, और जो लेसन में वॉर्म्थ है वो है अफेक्शन वाला. एक्सेप्ट, रिजेक्ट. सर्वाइव्ड मीन्स ग्रो करना, और अगर सर्वाइव नहीं कर पा रहे या तो वैनिश हो जाते हैं या कलैप्स हो जाते हैं. ठीक है, नाउ हियर इज एन कन्वर्सेशन. दीज आर द राइटिंग स्किल्स. आपको पिक्चर्स में देखना है बबल्स में क्या लिखा हुआ है. दीज आर टू माइजर्स, दो बहुत ही कंजूस बच्चे दिखाए हैं. एंड वॉट दे आर टॉकिंग. यू नो आई एम वेरी इकोनॉमिकल. वेन आई ईट अ चपाती आई रन इट ऑन द आउटसाइड ऑफ अ पॉट ऑफ घी एंड देन ईट. दैट्स वाई द घी लास्ट फॉर मंथ्स. द फर्स्ट माइजर इज सेइंग दैट ही इज वेरी इकोनॉमिकल. वो हर चीज को बड़े ध्यान से यूज करता है. बिकॉज वेन ही ईट्स अ चपाती, वी यूज घी ऑन द चपाती ना, हम चपाती पे लगाते हैं ना घी. तो ही सेज दैट व्हेन आई ईट्स अ चपाती आई जस्ट रन इट आउटसाइड द पॉट ऑफ द घी. कि मैं घी नहीं लगाता, उसके पॉट के आसपास अपनी चपाती को घुमा लेता हूं और ऐसे ही खा लेता हूं. तो इससे क्या होता है कि जो मेरा घी है इट लास्ट फॉर मंथ्स. कैन यू बीट दैट. तो उससे चैलेंज करता है कि क्या तुम इतना मतलब मुझे बीट कर सकते हो. सेकेंड वन थिंक्स यस ऑफकोर्स. सेकेंड वन उससे भी ज्यादा बड़ा माइजर था. What he said, I keep my pot of ghee on the loft and when I eat a chapati, I point it out at the ghee from a distance. He said कि तुम तो पॉट के आसपास घुमा लेते हो ना, मैं क्या करता हूँ, मैंने तो उसको ऊपर शेल्फ पे रखा होता है और जब मैं चपाती लेता हूँ ना, मैं सिर्फ उसकी तरफ पॉइंट आउट कर देता हूँ कि वो रहा घी चपाती, that is ghee, and I just eat it. So, what do you say about to that? कि अब तुम क्या कहोगे? द फर्स्ट माइजर डिड नॉट रिप्लाई, ही हैड कंसीडेड डिफीट. तो उसकी बात सुन के उसने अपनी हार मान ली, क्योंकि ये तो उससे भी बड़ा माइजर निकला. नाउ वी हैव टू राइट दिस हियर. वंस देयर लिव टू माइजर्स एंड दे वर फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग. बोस्टिंग मीन्स अपनी ढींगे हांकना, अपनी तारीफें खुद करना. वन माइजर बोस्टेड दैट ही इज वेरी इकोनॉमिकल एंड व्हेन ही ईट्स चपाती and added saying that he run it on the outside of a pot of the ghee and ask the other one if he could beat him in his miserliness. The other accepted the challenge and said that he keeps the pot of a ghee on the loft, just points it at the ghee and eat it. The first miser did not reply. He accepted his defeat. Now this is the homework. You have to write a short character sketch of your grandfather using the text. Means आपने जैसे father का पढ़ा ना उसके author के as a specimen. Write up. Compare with your write up with your friend. You just write a short character sketch. All of you will write about their grandfather, that what kind of person he is or he was. Okay. So we'll meet tomorrow in another lecture. For till then, goodbye.